हेलो फ्रेंड, आई टेक्नो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मजदूर डायरी से स्कीम के फॉर्म जैसे कैसे भरे जाते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको SSOID खोलनी है, उसमें यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में लेबर लेबर अप्लाई फॉर स्कीम लिखना है। जैसे ही लिखोगे उसमें आपके लेबर अप्लाई फॉर स्कीम खुल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ये आपको उस साइट पे लेके जाएगा। उस साइट पे जाने के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर लिखा हो निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही वह साइट खुल जाएगी। फिर आपको दोस्तों इसमें लिखना है, जैसे ऊपर ऊपर उसका नेम, इसकी स्कीम का नाम लिखा हुआ है, किस स्कीम की, जैसे छात्रवृत्ति ऊपर देखिए छात्रवृत्ति लिखा हुआ है और कौन सी कक्षा की छात्रवृत्ति ले सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी कि मजदूर के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद जैसे देखिए आपके पास मजदूरदारी होगी, उसके अंदर ऊपर ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मजदूर की फोटो है उसके पास में लिखे हुए नंबर B7 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वो नंबर लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ B7/2015/00। इसलिए उससे जैसे आप ये नंबर लिखोगे उसके बाद उसकी डिटेल खुल जाएगी। डिटेल खुलने के बाद आपको उसे डिटेल नंबर पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको भामा सा नंबर, सेलेक्ट स्कीम, किसके नाम से छात्रवृत्ति लेनी है उसका नाम सर्च कर लिखना है। उसका नाम सर्च, जैसे मैंने इसी नाम सर्च कर लिया है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको मजदूर के ही लेने हैं। उसको लेने के लिए आपको देखो आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होगा उससे मिलान कीजिए, वही नंबर आधार कार्ड नंबर सेम, दोनों में सेम होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बीकानेर सेलेक्ट करना है, अगर बीकानेर से फॉर्म भर रहे हो तो बीकानेर लिखना है। और नीचे देखिए अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपको सिर्फ मजदूर के बैंक खाता नंबर ही डालने हैं। जैसा कि मैं पहले उसका नाम लिखूंगा, क्या नाम है उसका, और नाम लिखने के बाद जैसे मैं नाम लिख दिया, उसके कौन से बैंक में खाता है OBC, और IFC कोड, यहाँ पे IFC कोड लिखूंगा मैं, ठीक है, ORBC010, ठीक है। ये IFC कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे बैंक माइक्रो कोड लिखूंगा। अगर आपको बैंक डायरी में ये कोड ना हो तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं ये IFC कोड माइक्रो कोड लिखने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, ये कौन सी जगह गया खाता, उसे लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे पहले मजदूर डायरी जहाँ पे मैंने ये PDF फाइल बना रखी है वहाँ पे मैं मजदूर डायरी सिलेक्ट करूंगा। मजदूर डायरी PDF फाइल है जो वो यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मजदूर डायरी, इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। इसको ओपन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैंक डायरी, मजदूर की ही बैंक डायरी डालनी है, उसकी फोटो आपको PDF फाइल बना के मजदूर डाइट डाल। उसके बाद आपको शिक्षा कक्षा कौशल अंक तालिका लिखा हुआ है, ये आपको जैसे जिस जिसके नाम से आप छात्रवृत्ति अप्लाई कर रहे हो उसके नाम की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद स्कूल का फॉर्म अपलोड करना, जहाँ से आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म अपलोड करना है, जो मोहर लगाई आपने स्कूल से। उसके बाद योजना का भरा हुआ फॉर्म, जहाँ पे मजदूर की पूरी डिटेल भरी होगी, उस फॉर्म को यहाँ पे आपको अपलोड करना है जैसा कि मैंने किया। उसके बाद 12 महीनों का रिकॉर्ड,
12 महीने के अंदर उसने कहीं कहां पे थी, कुछ समय के लिए काम किया है, उसका उसकी डिटेल लेनी है आपको। ठीक है दोस्तों, उसकी डिटेल लेने के लिए फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ऑप्शन है आपके सामने, एक तो है सेंड रिक्वेस्ट और व्यू टोकन स्कीम। इस दोनों में से आपको सेंड रिक्वेस्ट पे ही सेलेक्ट करना है। सेंड रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे ये लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक रसीद आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों रसीद आ गई, अगर आप इसका प्रिंट लेते हो तो प्रिंट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।